हाय दोस्तों, नमस्ते। आइए, किरण की चौका में आप लोग का स्वागत है। ये बताइए दोस्तों, फैमिली आप लोग कैसे हैं? भगवान करे कि आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हों। आप लोग ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए कि हम भी आगे जाएं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग भी, और घंटवा का तो ज़रूर दबा दें। चलिए आएंगे ये लोग, हम बताते हैं आज क्या बनाते हैं। ये देखिए, बैगन है घर का, खेत के तोड़ा हुआ 1 kg बैगन है। इसका हम बनाएंगे आज कलौंजी। इसे अनेकों नाम है, कलौंजी कहिए, भाजा कहिए, बहुत लोग इसको झोंका कहते हैं। देखिए, इसको हम पानी से 3-4 पानी धो लिए हैं। इस तरीके से इसको हम काट लिए हैं 4 टुकड़े में लगे लगे। ये हम मसाला दिखाते हैं, लहसुन है, जीरा, गुलकी, यही हम चलिए पीस लेते हैं सिल्ली पर। देखिए, पानी से सिलौटी को हम धो लिए हैं। ये 25 ग्राम लहसुन है, ये 1 बड़ा चम्मच जीरा है, और गुल मिर्च। आइए हम इसे सिल्ली पर इस तरीके से इसको तोड़ के ऐसे सारा छिलका छिलका सही से पीसेंगे। बस ये जाल इसका निकाल देंगे इस तरीके से। दोस्तों देखिए, इस तरीके से हम सारा मसाला भी तोड़ लेंगे बर्तन में। ये दोस्तों, और मसाला हम मिक्स कर ले। इसमें डाल ले लाल मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद हो। इसी के साथ डाल ले हम हल्दी 2 चम्मच, के साथ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक मसाले में ही। ये देखिए, ऐसा भी चीज़ को अभी हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अरे दोस्तों, इसको हाथ से ही मिक्स कर ले इस तरीके से सारे मसालों पे। ये देखिए, अरे दोस्तों, ये देखिए मसाले को मिक्स कर लिया। तो हम बताया था कि इस तरीके से हम काट लिए काढ़ा लाइए। अब इसे हम इस मसाले को सारे बैगन में इस तरीके से हम भर लेंगे एक एक करके। ये देखिए, ये देखिए फैमिली, सारा हम ये मसाला लगा लिए हैं। ये आप लोग कहती हूँ कि कितना बनाती हैं, तो मेरे घर में 10-12 आदमी हैं, उतना फैमिली के मतलब उतना लोग का मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो तेल अब सरसों तेल में ही बनाई है, ज़्यादा तेल लगता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के बनाना पड़ता है, और सरसों सा अच्छा लगता है। इस तरीके से तेल गर्म हो गया, इस तरीके से कढ़ाई को कर दें आप, पूरा तेल मिल जाए। और एक एक कटी सब्जी से डाल दें। ये देखिए दोस्तों, एक बार में 10-15 आ गया। इसको तो आप ज़्यादा तेल में भी तल सकते हैं, ज़्यादा तेल नुकसान भी करता है, क्योंकि कम तेल में इसको हम इस तरीके से बराबर ढक्कन से ढक के ही पकाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका मसाला बच गया है, तो इतना बैगन भी बचा हुआ है, इसे भी हम काट के मसाला लगा लेंगे। अरे दोस्तों, इसको हम खोल के इसे देख लें। ये देखिए, इसे आप धीरे धीरे इस तरीके से पलट दें। देखिए, इस तरफ से पक गया है अच्छे से, ऐसे पलट पलट के धीरे धीरे पका लें। धीमी आँच पर आप जरूर रखें इसे, और फिर से इसको ढक दें 3 मिनट के लिए। अरे दोस्तों, इसको हम खोल के देख लें फिर से एक बार। ये देखिए, इस तरीके से हो गया है, पक गया है। तो हम निकाल के दिखाते हैं, अरे दोस्तों हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बैगन बन के रेडी हुआ है। ये हम सारे निकाल लें। ये कलौंजी बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से धनिया के पत्ता से हम सजा दिए। ये देखिए कितना अच्छा खाना लगा है। आइए दोस्तों, आप लोग भी खाइए फैमिली। तरीके से आप सर्दी का दिन है तो ये पालक वाला दाल है, पालक वाला दाल में थोड़ा घी डाल दें। ये हरी चटनी है, ये भुजिया है, चावल है। ये देखिए, ये सबसे टेस्टी यमी कलौंजी, कलौंजी बोलिए, झोंका बोलिए, जो बोलना है जो बोलिए आप। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। नमस्ते, बाय बाय।